आज हम एक बात करने वाले हैं कि पैर के अंदर जो मोच आ जाने वाली प्रॉब्लम होती है उसके अंदर हमें क्या करना चाहिए। पैर के अंदर अगर मोच आ जाती है, जैसे पैर मुड़ गया है, कहीं फंस गया है और पैर एक अंदर या बाहर की तरफ मुड़ गया है, हाई हील पहनने से, कहीं अटकने से या भागते दौड़ते हुए कहीं भी इंजरी बहुत कॉमनली हो जाती है, क्या करना चाहिए? तो शुरुआती फेज के अंदर सबसे पहले जो स्वेलिंग आती है तो उस स्वेलिंग के लिए आइस यानी आइस फॉर्मेंटेशन यानी बर्फ की सिकाई का बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट रोल होता है, वो करनी चाहिए। दिन में 2 बार लगभग 5 से 10 मिनट के लिए आइस जो है पैक लगा के रखना चाहिए। दूसरी बात है, जैसे स्वेलिंग कम हो जाए तो कुछ क्रैप बैंडेज का सपोर्ट लगा के या कोई पीछे बैक सपोर्ट, कोई आप न्यूज़पेपर को फोल्ड करके लगा सकते हो ताकि वो एंकल हिले ना, और अपने डॉक्टर को जाके दिखा सकते हैं। जब हम उस पेशेंट को एग्जामिन करते हैं तो हम उस बोन के पैड को दबा के देखते हैं कि कहीं बोन के पैड में दर्द हो रहा है या बोन के जस्ट नीचे जहां लिगामेंट शुरू हो रहे हैं उस पार्ट में दर्द हो रहा है। क्योंकि जब पैर मुड़ता है तो ये समझिए कि एक इलास्टिक को जैसे हम खींचते हैं तो इलास्टिक एक लेवल पे जाके खींचने के बाद टूट जाती है। तो ऐसा ही होता है कि जब आपका पैर मुड़ा है और वो मुड़ने का जो स्ट्रेंथ है या जो कैपेसिटी है इतनी ज्यादा हो गई कि वो लिगामेंट के साथ साथ बोन के चिप को लेके चली गई, तो वो फ्रैक्चर हो जाता है पैर मुड़ने पर भी, तो वो स्प्रेन नहीं होता है। तो वो डॉक्टर को इसीलिए पता लगता है कि वो बोन वाले पार्ट को दबा के देखते हैं, तो बोन वाले पार्ट को दबाने पर दर्द हो रहा है दैट मींस कि ये फ्रैक्चर हो गया है, तब एक्सरे का इंडिकेशन बनता है। खाली सूजन है और बोन पे कोई दर्द नहीं है दबाने पे, बोन के नीचे वाले हिस्से पे दर्द है तो वो चीज जो है स्प्रेन होती है। अब कई बार बड़ा आप देखते होंगे कि लोग जो है 1 हफ्ते के अंदर या 5 दिन 4 दिन के अंदर ही मोच आई और ठीक हो गए, या नेक्स्ट आवर के अंदर ही चलना शुरू कर दिया और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और कई बार कई कई महीने तक दर्द रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? इस सिचुएशन को अज्यूम करते हैं कि ये जो लिगामेंट है एक रस्सी की तरह है, इस रस्सी के अंदर मान के चलो कि आप 100 फाइबर्स हैं, तो अगर किसी का पैर मुड़ा है और उसमें से अबाउट 5-10 फाइबर जो है वो टॉर्न हुए हैं तो एक माइनर इंजरी है, 5 फाइबर टॉर्न हुए हैं बाकी 95 इंटैक्ट हैं, तो वो 2-4 दिन के अंदर ही पेशेंट ठीक हो जाते हैं, सिकाई करते हैं, हल्दी का दूध पीते हैं और चीजें ठीक हो जाती हैं थोड़ी बहुत मालिश की। पर अगर ये फाइबर 5-10 के बजाय 20-25 फाइबर टूटे हैं तो ये एक बड़ी अमाउंट है जो फाइबर्स डैमेज हुए हैं, उनको ठीक करने में उतना ही ज्यादा टाइम लगता है, 2 से 3 हफ्ते 4 हफ्ते लग सकते हैं। साथ ही साथ आपको कोई सपोर्ट भी लगाना पड़ सकता है, क्रैप बैंडेज या प्लास्टर, और अगर और ज्यादा फाइबर्स टॉर्न हुए हैं तो उतनी ही सीवियर इंजरी है, उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये काम डॉक्टर का एक तो जज करने का होता है, बट कोई भी डॉक्टर ये बता नहीं पाएगा कि कितने फाइबर्स टूटे हैं, वो स्वेलिंग देख के और कितने पेन है वो सिम्टम देख के जज होता है, ना किसी MRI में चीज आती है कि कितने फाइबर टॉर्न हुए हैं, 5 या 10, ऐसा ये तो एक समझने की बात थी। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमें अपनी बॉडी को सुनना चाहिए। अगर हमारी बॉडी जो है नेक्स्ट डे ही हमें ठीक लग रहा है तो चांसेस है कि ठीक होने के चांसेस अच्छे हैं, बट सपोर्ट रखना बहुत जरूरी है। शुरुआती केसेस में जब आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो क्रैप बैंडेज का सपोर्ट चल जाता है, बट हमारा बेसिक जोर इस बात पे रहता है कि जो पैर है वो अंदर और बाहर की तरफ मुड़े ना, क्योंकि जब वो अंदर या बाहर की तरफ मुड़ता है तो वो लिगामेंट स्ट्रेच होते हैं, उनकी हीलिंग डिस्टर्ब हो जाती है, तो इसीलिए गर्म पट्टी बांध के रखते हैं या एंकल सपोर्ट आता है वो बहुत ही बढ़िया चीज है। एंकल सपोर्ट 2 तरीके के होते हैं, एक इलास्टिक वाले एंकल सपोर्ट होते हैं, उनको पहन लिया तो ऐसा लगता है जैसे सॉक्स पहन लियो, तो उसमें पैर मुड़ सकता है, आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा उसके अंदर। गर्म पट्टी जब आप बांधते हैं तो पैर के मूवमेंट रुक जाते हैं, तो कुछ हद तक बेनिफिट होता है। जो एंकल सपोर्ट होता है वो एक तरीके से कच्चे प्लास्टर जैसा काम करता है, वेलक्रो स्ट्रैप्स लगी होती हैं, आपने उसको हटाया, बर्फ की सिकाई की, फिर दोबारा पहन लिया, आपका पैर आसानी से मुड़ भी नहीं पाएगा। या अगर आप ऑफिस में जाते हैं या किसी ऐसे पर्पज में जहां आप प्लास्टर ये सब चीजें नहीं यूज कर सकते हैं, तो अबव एंकल लेंथ के ये शूज होते हैं, वहां भी आपका पैर मुड़ नहीं पाएगा अंदर या बाहर, तो आपके उस पार्ट को रेस्ट मिलेगा। ऑल्दो ये डॉक्टर को डिसाइड करना है कि आपको चलना है या नहीं चलना है। और दूसरी बात कि अगर डॉक्टर को लग रहा है कि बोन वाले पार्ट को छूने में दर्द हो रहा है तो इसका मतलब है कि फ्रैक्चर हो सकता है एंकल के चारों ओर। अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अलग अलग एरिया होते हैं, एंकल में भी फ्रैक्चर होता है पैर मुड़ने पर, फुट के अंदर भी होता है। ये जब बोन को दबा के प्रेस करके चेक किया जाता है, पैर को स्ट्रेच करके देखा जाता है, तो पता चल जाता है कि पेन एंकल में ज्यादा हो रहा है या फुट में ज्यादा हो रहा है, उसी के हिसाब से हम एक्सरे कराते हैं। अगर फ्रैक्चर होता है तो लगभग 6 हफ्ते के लिए प्लास्टर लगाया जाता है, और कई बार फ्रैक्चर ऐसा होता है कि जहां बोन टूट के दूर चली जाती है तो वहां सर्जरी की आवश्यकता भी पड़ती है। ये चीज जो है एक्सरे के बाद डिसाइड होती है। बट अगर खाली एंकल स्प्रेन है, सही प्रोटेक्शन देंगे क्रैप बैंडेज या एंकल सपोर्ट के साथ या कच्चे प्लास्टर या पक्के प्लास्टर के साथ, तो आपको काफी सहूलियत और राहत मिल जाती है और बहुत जल्दी आप ठीक हो जाते हैं। बट अगर आप निग्लेक्ट करते हैं, आप ऐसे ही घूमते रहते हैं कि कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत सूजन आती है, कोई बात नहीं, तो उस सिचुएशन में आपकी इंजरी को ठीक होने में बहुत टाइम लग सकता है।
सो आई होप कि ये टिप्स और ये थोड़ी सी बातें आपको पसंद आई होंगी. फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब लाइफ केयर फॉर यू.